नमस्कार, थिंक टैंक देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ प्रेरणा शर्मा। दोस्तों, एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। अब इस कहावत को सच करके दिखाया है राहुल गांधी जी ने। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने सदन में दहाड़ भरी, जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपने अपने विचार जाहिर किए, वैसे ही राहुल गांधी दुम दबा कर भाग गए। बात करें आज के सदन के बारे में, तो आज नरेंद्र मोदी जी ने सदन को पटक पटक कर धोया है। कभी आप धोबी घाट गए हो तो आपने धोबी को कपड़े धोते हुए देखा होगा, पटक पटक कर कपड़ों को धोता है, थपकी मारता है उस पर। ठीक इसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने आज पटक पटक कर, थपकी मार मार कर विपक्ष को धोया है। और आखिरकार राहुल गांधी क्यों दुम दबाकर भाग गए? आखिरकार क्यों सोनिया गांधी पूरे सेशन में सिर्फ पंखा हिलाती रही? क्या सदन का एसी सोनिया गांधी के लिए कम पड़ गया, या नरेंद्र मोदी जी की बातें सुनकर सोनिया गांधी का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ गया? आज बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वो विपक्ष जो हल्ला मचा रहा था, जो काफी दिनों से एक ही बात बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी सदन में आकर अपनी बात क्यों नहीं रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष की ये इच्छा पूरी कर दी। लेकिन इन सभी के मुखिया राहुल गांधी तो गायब हो गए। राहुल गांधी को सदन में अंदर जाते तो देखा गया, लेकिन बाहर वो आए नहीं, लेकिन सेशन में वो थे नहीं, तो राहुल गांधी कहाँ गए? वहीं बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी जी ने तो ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि उन्हें सुनकर विपक्ष कहीं मुंह छुपा ले। इससे पहले आपको बता दें, ऋषि बागरी ने, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि राहुल गांधी दुम दबाकर भाग गए, राहुल गांधी डर कर भाग गए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत करी और इस विपक्ष को काला टीका बताया। मोदी जी ने कहा कि हम मांगलिक कार्य करते जा रहे हैं और विपक्ष काले कपड़े पहनकर उन सभी मंगल कार्य को, काले टीके का काम कर उन सभी को बुरी नजर से बचा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि विपक्ष को एक वरदान लगा हुआ है और वो वरदान ऐसा है कि वो जिसको भी छू ले वो सोना बन जाए। नरेंद्र मोदी जी ने अपना एग्जाम्पल दिया, विपक्ष को ऐसा वरदान है कि वो जिसका बुरा सोचते हैं उसका भला ही भला होता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने बारे में बताया कि 20 साल से ही विपक्ष मेरा बुरा सोच रहा है, लेकिन देखिए हम कहां थे और कहां से कहां आ गए और बुरा करने वाले कहां से कहां आ गए। सारी बातें नरेंद्र मोदी जी ने बड़े स्टाइल के साथ अपने अलग अंदाज में कही। इसी के साथ साथ आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी बात कही जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने, आप सभी को याद होगा, दिल्ली में सबसे बड़े एग्जीबिशन सेंटर का उद्घाटन करते हुए एक बात कही थी कि अपने अगले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी भारतीय अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाके खड़ा कर देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक जिम्मेदार विपक्ष की जिम्मेदारी होती है इस बड़े अनाउंसमेंट के बाद कि वे हमसे पूछे कि आपका रोड मैप क्या है, ऐसी कौन सी तैयारियां हैं आपके पास जिनके तहत आप भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर से टॉप 3 में लाके खड़ा कर देंगे। इसी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि आप इतना भी नहीं सोच सकते तो आप हमसे पूछते कि ये सारी चीजें कहाँ से आई है, या फिर आप सड़क पर जाकर, रोड पे जाके, जनता के बीच में जाके जनता को विश्वास दिलाते कि भैया ये तो तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं, हम तो पहले नंबर पे ले आएंगे। लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये सब चीजें भी मुझे सिखानी पड़ रही है विपक्ष को। यहाँ पर विपक्ष का जिम्मा बनता था कि वह इस तरीके के सवाल करे, लेकिन इनकी बचकानी हरकतें हम सभी ने देखी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इन्होंने कहा, विपक्ष ने, कि वो तो अपने आप आने वाले कार्यकाल में तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, और यही सोच है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की। जितने भी साल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने शासन किया भारत पर, भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। 1991 में ऐसी परिस्थितियां बन गई भारत की कि भारत कंगाल हो गया, भारत के हाथ में कटोरा आते आते बचा। इसी के साथ साथ जब तक कांग्रेस का शासनकाल था तब तक भारत की अर्थव्यवस्था 10वें, 11वें और 12वें नंबर पे रहा करती थी, लेकिन साल 2014 से जो हम सभी ने देखा,
वो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी बात कही। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यदि यही इनकी सोच है तो इससे यही प्रूफ होता है कि विपक्ष के पास ना ही कोई नीति है, ना नियत है और ना ही कोई विजन है, और ना ही विपक्ष को वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ पता है, और ना ही आर्थिक जनतंत्र के बारे में, भारत के बारे में कुछ पता है। यदि पता होता तो विपक्ष इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, सारा विपक्ष सन्न रह गया। राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए और सोनिया गांधी केवल पंखा हिलाती हुई दिखाई दी, यानी कि सोनिया गांधी के पास कोई शब्द नहीं थे, केवल उन्हें गर्मी लग रही थी या उन्हें गुस्सा आ रहा था जिसका जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष नरेंद्र मोदी जी से हिसाब मांगता है, उनकी राजनीति का हिसाब मांगता है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया नरेंद्र मोदी जी ने और कहा कि जिनके खुद के बही खाते खराब हैं वो हमसे क्या हिसाब मांग रहे हैं। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष की बखियां उधेड़ दी और विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं बचा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और कल ही की बात है, कल ही राहुल गांधी राज्यसभा में बहुत ज्यादा बरस रहे थे, लेकिन आज जब असल में मौका आया नरेंद्र मोदी जी से फेस टू फेस सवाल पूछने का, तब राहुल गांधी 9-2-11 हो गए। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल यानी कि थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।